सबसे जो मेजर पार्ट है ना, कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में हाथ मार रहे हो, कोई भी टारगेट बना रहे हो, कोई भी लक्ष्य बना रहे हो, कोई भी जीवन में आप सफलता चाहते हो, सब चीज में कॉम्प्रोमाइज है, एक चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वो है फिजिकल फिटनेस। शारीरिक व्यायाम वो किसी भी फॉर्म में हो, योगिक फॉर्म में हो, योगासन प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत जिम। जिम को मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि जिम करने वालों को देखा हूं ज्यादा से ज्यादा मूर्ख ही हो जाते हैं। फिजिकल के मूवमेंट में इतने अपने को संश्लिष्ट करते हैं, उसको बंद करो फेसबुक तुम्हारा, हाँ इधर ध्यान दो, नहीं तो नहीं बोलूंगा। क्या जरूरत है बोलने, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आप पूछे हो, आपके अंदर वो पात्रता है जिसके लिए शब्द निकल रहे हैं। ये भेड़ बकरी लोग रहने से निकलता है क्या? नहीं निकलता है। आप घोड़े लोग आए हो तो निकल रहे हैं, और सुनो नहीं बोर लग रहा है भागो। ठीक है, क्या है कि किसी भी हालत में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा यू मस्ट देना ही देना है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए या योगासन प्राणायाम के लिए। और उससे फिजिकल एक्सरसाइज से थोड़ा ऊपर चले जाओ, गो फॉर कराटे। मैं आज जो कुछ हूं कराटे और योग की वजह से, पक्का 1 से 2 घंटा डू प्रैक्टिस कराटे या कोई भी वेपन्स टेक्निक, अस्त्र शस्त्र विद्या या मार्शल आर्ट लाइक ताइक्वांडो, कुंग फू, कराटे, जुजुत्सु, आइकिडो, कुछ ना कुछ करना है। नो मार्शल आर्ट नो लाइफ। तुम गधा से गधा आदमी भी है ना तो भी मार्शल आर्ट सीखो, कहीं भी सीखो, लेकिन सीखो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में एक योद्धा बनाता है, एक फाइटर बनाता है, ताकि हर कंडीशन में तुम्हारा एक एटीट्यूड बने कि मुझे लड़ के जाना है, एट एनी कॉस्ट मुझे भिड़ना है, आगे बढ़ना है। वो फिर तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा एक एक सेल, एक एक जीव कोश, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा थिंकिंग एटीट्यूड तुम्हें हर कंडीशन में फाइट करने लगे, आगे बढ़ाएगा। तुमको एक बूस्टर मिले, एक बूस्टिंग मिले, नहीं है तो जीवन में ऐसे बहुत सारे गधे काम कर लेते हैं, ये सब ठुक करके गिर जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं जब से ये आपका एनजीओ का फील्ड है, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड है, शोधन हो गया, गौशाला हो गया, गुरुकुल हो गया, फार्म हाउसेस हो गया, वो 55 एकर्स का प्रोजेक्ट हो गया, या बाकियों का भी जो प्रोजेक्ट लिया, या प्रवचन लिया, या ये जो भी आप ये देख रहे हो प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूं, मेरे साथ जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे उस समय, आज से 27, 28, 29, 30 साल पहले जब शुरू किए थे, उस समय मेरे सामने बड़ा दिन आंक रहे थे। और बड़े बड़े, किसी को एक एनिमल वैन मिल गया 7 लाख का, मेनका गांधी जी दे दिए, किसी को 22 लाख का गौशाला प्रोजेक्ट मिल गया, एक मेरा दोस्त था संजय चौधरी, 35 लाख का गौशाला प्रोजेक्ट मिल गया, मैं ठुस कुछ नहीं। और आज के डेट में करीब करीब मेरा देखे, उस समय खड़े थे जितने संगठन और जितने दोस्त और जितने लोग एनजीओ खोल के या संगठन खोल के, करीब करीब 300-400 संगठन को आंख के सामने इर्द गिर्द देखा हूं, और आज के डेट में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा भी नहीं है। सब अपने अपने समस्या में उलझ गए और फिका गए, मार्केट में है भी नहीं, नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। और विभु कृपा से, प्रभु कृपा से मैं हूं आज भी इस उम्र में। जब वे सारे देख के मेरे को बोलते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो, खाओ पियो बीवी बच्चा पालो, आप तुम और बढ़ रहे हो। और उस समय मेरा एक झोपड़ी से प्रोग्राम चालू किया था, एक झोपड़ी, वो भी टूटा हुआ एस्बेस्टस सीट, पुराना ईटा ला के प्रोजेक्ट खड़ा किया, और आज देख रहे हो पूरा प्रोजेक्ट, जाके घूम के आके देखो चौंक हो जाएंगे। क्यों है? 3 कारण। एक है आध्यात्मिक धरातल स्ट्रांग था, यज्ञ हवन
यज्ञ दान तप कर्म स्वध्याय निरतो भवे एस एव ही सूर्युक्त सत्य धर्म सनातन। ये पांच तुम्हें देखो मिल तो जाएगा लेकिन उस हाइट को फिर मेंटेन करना है, और उस हाइट को मेंटेन करने के लिए तुमको यज्ञ दान तप कर्म स्वध्याय पांच निरतो भवे, अदरवाइज क्या होगा खीणे पुण्य मर्त लोके बिसंति, पुण्य खत्म हो गया फिर नीचे आ जाओगे। योग खेम महाम्यम, लाख रुपया पाने का योग तो है, खेम पकड़ के रखने का कैपेसिटी हाथ से भाग जाएगा। आया है बहुत लोगों को मिलता है, मैं देखा हूं। सोचो तुम्हारे जीवन में, सोचो तुम कालसर्पी हो, तुमको जीवन में कोई साथी नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो तुम्हारे हाथ से छूट जाए। दूसरा बिंदु है शांति। लोग बोलते हैं ये पाने से हम शांति हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे, उनको कभी नहीं मिलता। और जो हर कंडीशन एवरी टेंशन में शांत रहता है उसे सब कुछ मिल जाता है। जो शांत रहता है, मौन रहता है, वो जानते हैं हाउ टू बी हैप्पी, उसे सब मिलता है। लेकिन जो बोलता है कि मुझे मिल जाए फिर मैं हैप्पी, उसको कभी नहीं मिलता। तो वो हाइट में पहुंचना, फिर हाइट को मेंटेन करना, योग होना, फिर खेम होना, और खिड़े पुण्य होने नहीं देना, पुण्य खिड़े नहीं हो, पुण्य शक्ति बढ़ा के रखो। तो वो शारीरिक मर्यादा वो तभी प्राप्त होते हैं ना जब नित्य प्रतिदिन अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करो। आर्मी में एक बात बताते हैं, अगर पसीना निकालते हो ना तो युद्ध में खून नहीं बहेगा। जो परेड और एक्सरसाइज होता है ना उनका डेली का मार्चिंग वगैरह, तो जो आर्मी जो सोल्जर पसीना निकालता है वो युद्ध में उसका खून नहीं बहता। और जो लोग आराम किए होते हैं ना युद्ध में जाते ही खून निकलता है, आधा कोई धर्मरा होता है कोई मरता है। इसलिए जीवन में भी मेरे रास्ते पे आओगे, जो आप बोल रहे हो ना कि आप हमारे साथ आप हमको मिला लीजिए, तो फिर तो पीठ में तेल मार के आना पड़ेगा। मैं कहता हूं मेरे साथ जो चलेगा मस्ट एडमिशन उसका होना चाहिए मेरे कराटे क्लास में। आपको मेरे साथ पहले डेली पसीना बहाना पड़ेगा। मैं बहाता हूं आज की उम्र, इस उम्र में भी, आज के डेट में भी कोई नहीं देखता है। मैं मेरे साधन, जैसे तुम आया अंदर से, मैं अंदर मेरे साधन में बैठे थे ना, इंतजार करा दिया ना 1.5 घंटा आपको, मैं मेरे साधन में भाड़ में जाए धरती, मैं अपना प्रैक्टिस में हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मेडिटेशन में हूं तो हूं, मैं जाप में हूं तो हूं, मैं कराटे कर रहा हूं तो कर रहा हूं, कोई आए तो उधर इंतजार करे। मैं मेरा साधना आपके लिए मैं डाइवर्ट नहीं हो सकता। ये स्ट्रेटेजी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग आदमी, पावरफुल आदमी, साधक आदमी कुछ नया काम करता है, आगे बढ़ता है। आपका फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप व्यायाम नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, या आप योग प्राणायाम नहीं करते हो, आप कराटे कुंफू मार्शल आर्ट वेपन्स ट्रेनिंग जुजुत्सु आइकिडो नहीं करते हो, बहुत दूर नहीं चल सकते हो, रास्ते पे गिर जाओगे पक्का। देखो, और ये तो मैं उड़ीसा के अंदर 300 ऑर्गेनाइजेशन का बात बोल रहा हूं, पूरे भारत में मेरा भ्रमण है, और पूरे भारत वर्ष में मैं देखा हूं, मेरे समय आज से 20-30 साल पहले बहुत सारे संगठन चकाचौंध सरकारी पैसा मार मार के हुए, और 3,500 एनजीओस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। क्यों? पैसा आया तो लोभ संवरित नहीं कर पाए, और पैसा आया दुरुपयोग कर दिए। क्यों? क्योंकि उस समय उनका मन रुपया के कारण, इतना सारा पैसा देख के कहां से सदविनियोग करेंगे, उनको मार्ग नहीं मिल पाया, हड़बड़ा गए, डगमगा गए, और आज के डेट में वो फेंका गए। इसलिए पूरे बात का एक ही बात कहता हूं, शारीरिक फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्थिरता, शारीरिक स्वास्थ्यता, शारीरिक व्यायाम, योग, कराटे, ये बहुत जरूरी है, और इससे पहले यहां से शुरू करोगे आगे पहुंच जाओ, और इसी को ही ढीला छोड़ोगे और बाकी सब करोगे। और समझ में आ रहे, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी माने समझते हो, सूर्य भगवान आएंगे तो बाबूराम खटिया से उठेंगे, सुनिए रहे, इनको बोलते सूर्यवंशी, ये कभी नहीं कर सकते।
ये बाप के खा के घोड़े के आगे नाचेंगे। ठीक है, हाँ। अब आपको देखो, रात को 12 बजे मेरा रात्रि जॉब खत्म होता है और सुबह 5 बजे उठ के आई डू माई रेगुलर आई प्रैक्टिस माई कराटे एंड योगा एंड ऑल दिस थिंग। तब नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए सफलता चाहिए, पहला साधना बिंदु है शारीरिक साधना, अन्नमय कोश का साधना। बाकी जो तो बहुत सारी साधनाएं हैं, अन्नमय का क्या क्या साधना है क्या, ये वो तो बहुत लंबा विषय है। मैं यहां पहले कहूंगा, पहले तो पसीना निकालना सीखो, एक बात है।